नमस्कार, पेप्टी टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। मध्य प्रदेश में इन दिनों एक नहीं बल्कि दो शादियां चर्चा में हैं। जब नई नवेली दुल्हन घोड़ी पर चढ़ी तो लोग देखते ही रह गए, वहीं दूसरी तरफ दूल्हा दुल्हन की विदाई बैलगाड़ी से की गई है। यह नजारा जो भी देख रहा है तारीफ करते नहीं रुक रहा है। आप भी देखिए यह रिपोर्ट। खंडवा के गांव कोरगला और बड़गांव माली में हुई दो शादियों में बीते जमाने और नए युग की तस्वीर सामने आई है। कोरगला में दुल्हन घोड़ी पर चढ़कर बाना लेकर शादी के मंडप तक पहुंची। वहीं बड़गांव माली में दुल्हन की विदाई बैलगाड़ी से हुई और दूल्हे ने बैल हाके। बता दें, कोरगला में रहने वाली श्रुति पटेल की शादी कुमठा के डॉक्टर अंकित पटेल से हुई है। श्रुति कंप्यूटर साइंस से बीएससी कर चुकी हैं, जबकि उनके पिता महेश किसान हैं। परिजन ने बताया है कि दो पीढ़ियों के बाद घर में बेटी श्रुति का जन्म हुआ था। माता पिता ने बेटे की तरह उसे पाला। सभी की ख्वाहिश थी कि जब श्रुति का विवाह हो तो वह भी एक लड़की की तरह घोड़ी पर चढ़े। श्रुति घोड़ी पर चढ़ी और परिवार वाले बाराती बने। पूरे गांव में उसका बाना निकाला गया। लड़की का घोड़ी चढ़ने का मामला पटेल समाज में पहली बार हुआ है। वहीं बड़गांव माली में उज्जवल पाटीदार का विवाह गांव की ही कोमल से हुआ। शादी के बाद जब कोमल की विदाई होने लगी तो उज्जवल ने कार लगाए, लेकिन दुल्हन का भाई विनीत अपनी बहन को सरप्राइज देना चाहता था। इसके लिए उसने खास तौर पर रेलगाड़ी का इंतजाम किया। जैसे ही सजे धजे बैल और गुब्बारे लगी गाड़ी द्वार पर आई तो पहले तो कोमल चौंक गई, लेकिन फिर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उज्जवल और कोमल बैलगाड़ी में बैठकर विदा हुए।